तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। सिविल इंजीनियर वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, 35,400 से आपका सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और डिप्लोमा, बीई, बीटेक तीनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और अप्लाई करने की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पेपर पैटर्न के बारे में, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारा चीज पूरा डिटेल में आपको पढ़ के समझाऊंगा। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे आपको पता करने की जरूरत है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कंसंट्रेशन से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ये आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग एक एक करके क्लिक करोगे तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं सारा चीज आपको यहाँ पे रीड आउट करके समझा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो तीन पार्ट में है, तीनों ही पार्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं सारे चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 3 मई। 3 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, और पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है 5 मई 2021, ठीक है। तो लगभग एक महीने का आपको यहाँ पे समय मिल जाता है। चलिए आप पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे SDE के लिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, और ये ग्रुप ए का पोस्ट है। तो आपका सिलेक्शन अगर यहाँ पे होता है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 39,100 प्लस उसके ऊपर जो भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो तो रहने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जूनियर सिविल इंजीनियर वालों के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो ग्रुप बी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका सैलरी जो है वो 34,800 रहने वाला है, और उसके ऊपर जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स रहेंगे वो अलग से रहने वाले हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 4 है। उसके बाद और एक जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहाँ पे सिविल इंजीनियर वाले बिल्कुल एलिजिबल है, ग्रुप बी का जॉब है, यहाँ पे सैलरी आपकी 34,800 प्लस पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपके यहाँ पे रहेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपका 5 है, 5 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, सिलेक्ट होने पे आपकी सैलरी 34,800 रहने वाली है, और 2 पोस्ट यहाँ पे आप लोग के लिए निकाला गया है। तो ये है क्वालिफिकेशन की बात, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग SDE के लिए देख लेते हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए था, वो है आपका यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप ए का जॉब है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यहाँ पे इसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ये भी साफ साफ बोल दिया गया है कि आप कहीं से डिस्टेंस मोड या कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से किए हुए हो तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, आपका फुल टाइम होना चाहिए डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, तो जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप अनडिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट है तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम आपका 37 इयर्स होना चाहिए। कट ऑफ डेट आपका रखा गया है यहाँ पे 1 जनवरी 2021, तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ डेट सेम रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, तो आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। OBC अगर आप हैं तो यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। PWD कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 47 है, ठीक है। ये हो गई एज लिमिट की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो सब लेके। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका 1.5 घंटे का ये एग्जाम होगा, जिसमें आपका 90 क्वेश्चंस रहने वाला है, सारा ही MCQ टाइप रहने वाला है, ठीक है। एक पेपर होगा जिसमें 90 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और 90 नंबर का आपका ये रिटन एग्जाम हो गया, 10 नंबर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए रखा गया है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, तो आपका यहाँ पे देख लीजिए
10 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश रहने वाला है, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज से रहने वाला है, 10 नंबर का आपका मेंटल एप्टीट्यूड से रहने वाला है, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रहने वाला है और 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 यानी कि 4 रॉन्ग होगा तो आपका 1 राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे पेपर का पैटर्न यहाँ पे इंग्लिश रहने वाला है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चंडीगढ़ ही रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई करते हो आपको एग्जाम चंडीगढ़ जाकर देना पड़ेगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आपको इंडिविजुअल सारे कैटेगरी में 25% लाना होगा, तब जाके आप यहाँ पे क्वालिफाई करोगे। तो ये हो गई एसडीई पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट था ये वाला ग्रुप बी का, इसके लिए 4 वैकेंसी थी यहाँ पे। यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और अनडिजर्व के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 मैक्सिमम 37, शेड्यूल कास्ट के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42, ओबीसी वालों के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 47 रखा गया है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका रिटर्न एग्जाम से ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका 10 नंबर का इंग्लिश क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का आपका जीके रहने वाला है, 15 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 यानी कि 4 रॉन्ग होगा तो 1 राइट रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहने वाला है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका चंडीगढ़ से रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 1-1 डिवीजन में 1-1 सेक्शन में आपका 25% यहाँ पे रहना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गई जूनियर इंजीनियर की बात। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है। डिप्लोमा अगर आपने किया है पब्लिक हेल्थ में या सैनिटरी में या मैकेनिकल में या आप सिविल में भी किए हुए हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो सिविल वाले देख रहे हैं उनके अगर फ्रेंड्स हैं मैकेनिकल वाले या सैनिटरी या हेल्थ पब्लिक हेल्थ वाले, उन लोग को आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब ये एज लिमिट की बात करें तो पूरा वही सेम है जो अभी आप ऊपर जूनियर इंजीनियर के लिए देखे थे। पेपर पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न भी पूरा सेम है जो अभी आप जूनियर इंजीनियर के लिए ऊपर देखे थे। ठीक है, सारा चीज ये है जूनियर इंजीनियर के लिए। जो जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि पेपर के बारे में, तो पूरा सेम है जो ऊपर जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए आपने देखा था, वो पूरा यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न का बात। अब हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 3 पार्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एज अ जनरल ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब फीस की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो जनरल ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज फी लगने वाला है। तो फीस थोड़ा ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पे सोच समझ के भरिएगा, तैयारी अच्छी खासी है तो ही जाके आप इसको भरिएगा, वरना मत भरिएगा, मेरा ऐसा मानना है। एससी वालों के लिए यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रखा गया है, एक सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे 500 रखा गया है। तो लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने का यहाँ पे रखा गया है 5 मई 2021। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फीस की बात। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो मैं आपको बताया, क्वालिफिकेशन से लेकर सारा चीज। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो जो आप इस पेज पे आए हुए थे, इसी पेज में आप ऊपर देखोगे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने वो फॉर्म खुल जाएगा, जिस फॉर्म को आपको भर के यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्म को भरने के बाद आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, आप जाके आराम से वहां से पेज तक ये सारे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारा चीज यहाँ पे समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या हो कि जब भी मैं न्यू अपडेट्स डालता हूँ वहाँ पे वो सारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि मोर देन बहुत सारी वैकेंसी जो पर डे निकलती है मैं वहां पे डालता हूँ। यहाँ पे मैं पर डे एक ही जॉब्स ला पाता हूँ इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।